बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और लेक्चर्स जो आपको करवाए जा रहे हैं, आई होप कि उनमें आपको कोई भी किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन इन एनी लेक्चर, सो यू कैन ईजिली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी डाल सकते हैं और इंशाल्लाह वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे फ़ौरन से आंसर किया जाए। सो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज़ एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये आज का जो टॉपिक है ये भी हमारे प्रीवियस लेक्चर से काफ़ी हद तक जो है वो मिलता जुलता है, क्योंकि आज बेसिकली जो हम ये जो सीरीज़ कर रहे हैं फिजिक्स की, दैट ऑल लेक्चर्स आर होली इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। अगर आपका कोई एक भी कॉन्सेप्ट जो है बीच में से क्लियर नहीं है, सो यू वॉन्ट बी एबल टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो मेरी सजेशन भी यही है कि अगर आप में से किसी एक स्टूडेंट की कोई भी क्लास मिस होती है या कोई भी उसको कन्फ्यूजन होती है, सो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से बिल्ड कर लिया करें, फिर नेक्स्ट मूव किया करें। क्योंकि अगर आप लोग पीछे से अपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करेंगे तो आपके जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गेन करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सो ये था जी मेरा एक जेंटल सा रिमाइंडर, और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज का जो लेक्चर है दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। So what is acceleration and when does a body possess acceleration? For example, suppose करें कि हमारे पास कोई भी object है, ठीक है, so जब भी वो object जो है वो move करेगा, so it means उसमें जो है वो speed होगी, उसकी कोई ना कोई velocity होगी। So जब भी वो move करेगा object, या तो उसकी जो है वो position change होगी, या जो उसकी है magnitude change होगा। So अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई एक भी चीज़ चेंज होती है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई एक भी चीज़ चेंज होती है, या अगर दोनों भी चेंज हो जाती हैं, सो इट मीन्स दैट कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, सो इट मीन्स उसमें जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो इसकी एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन पर मूव करते हैं और देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, और जब हम डेफिनेशन को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। सो इट्स डेफिनेशन इज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो मूव कर रहा है, या तो उसकी चेंज इन मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या उसकी जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या दोनों चेंज हो रहे हो। सो इनमें से कोई एक भी चीज़ चेंज हो जाए, या अगर दोनों भी चेंज हो जाए किसी भी बॉडी के, सो इट मीन्स कि उसकी जो है वो वेलोसिटी चेंज हो गई है। क्योंकि वेलोसिटी जो है हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी, सो इनडायरेक्टली जब इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ चेंज होगी तो वो डायरेक्टली असर करेगी वेलोसिटी पर। सो जब भी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई एक भी चीज़ चेंज होगी, या अगर दोनों भी चेंज होंगे, तो इसका मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज हो गई। और अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो गई तो इसका मतलब उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, सो इट मीन्स उसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ऑल राइट, सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। और एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई गाड़ी है, ठीक है, वो पहले वेलोसिटी थी उसकी वी आई। वी आई मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी। जब उसने चलना शुरू किया तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी? वी आई। और आफ्टर सर्टन टाइम, जब कुछ टाइम गुजरता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? वी एफ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। जब टाइम गुजरा तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो है वो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पर हम आता है हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एन एक्सेलरेशन। सो यस, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है यहाँ से यहाँ पर मूव करने के लिए, दैट इज़ बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। एंड जितने टाइम के अंदर ये चेंज आ रहा है, इन दोनों की अगर हम रेशियो ले लें, चेंज इन वेलोसिटी की और टाइम टेकन की, सो दैट इज़ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ऑलराइट, सो अब जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पास क्या है? वी आई, और फाइनल वेलोसिटी है वी एफ। सो एक्सेलरेशन का जब फॉर्मूला है, जब चेंज इन वेलोसिटी करेंगे तो आपने हमेशा फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देना। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? वी एफ।
और इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारे पास वी आई. सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. आई रिपीट कि अगर हमारे पास कोई भी गाड़ी है वो मूव कर रही है, सो जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी उसकी, जब वो मूव करना शुरू करेगी, चलना शुरू करेगी, सो उस टाइम पर जो वेलोसिटी होती है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, क्योंकि अभी वो चलना शुरू, इनिशिएट का क्या मतलब, शुरू हुई. तो जैसे ही बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज वी आई इनिशियल वेलोसिटी. और जब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हम उसकी वेलोसिटी को देखते हैं तो दैट इज बेसिकली फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ दीज वेलोसिटी, दैट इज वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी. तो ये आ गया जी हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंस दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, और आपको पता है कि जब चेंज की बात होती है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी. सो डेल्टा वी का भी बेसिकली यही मतलब है कि वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. सो जहाँ पर अगर एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में डेल्टा टी मैंशन हो तो आपने उसे देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना कि अब पता नहीं ये कौन सी टर्म आ गई. सो डेल्टा वी इज बेसिकली इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, दैट इज इक्वल्स टू चेंज. हम डिफरेंट जगहों पर डेल्टा को डील करते हैं तो डेल्टा जहाँ पर भी आता है वहाँ पर क्या मतलब होता है, चेंज डिफरेंस. ठीक है, तो ये था जी हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या हैं. ठीक है, सो हमें पता है कि हमारे पास क्या फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल्स टू वी ओवर टी. सो यहाँ पर वी यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी के आपको पता है कि यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है, टाइम. सो टाइम का क्या यूनिट है हमारे पास, सेकेंड. सो यहाँ पर जो है इस सेकंड को भी हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, सो मीटर पर सेकंड, और साथ में एस की पावर प्लस वन थी. पता है आपको कुछ ना हो तो क्या होता है, प्लस वन. तो जब हमने इसे ऊपर शिफ्ट किया तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव. सो ये आ जाएगा माइनस वन, एंड माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू. सो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या यूनिट आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑल राइट, सो ये हो गया जी हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब जब भी हमारे पास वर्ड यूनिफॉर्म आता है तो यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, कॉन्स्टेंट, जो चेंज नहीं होता. ठीक है, आई रिपीट, यूनिफॉर्म कहीं पर भी आ जाए सो इट मीन्स दैट इज कॉन्स्टेंट, दैट क्वान्टिटी इज कॉन्स्टेंट. सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, सो काफ़ी हद तक आपको जो है इस चीज़ का अंदाजा हो गया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. तो अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ और इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं. सो अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ एवर द शॉर्ट इंटरवल मे बी. क्या मतलब इस बात का, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, हमारे पास कोई भी बॉडी है, उसका वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया हमारे पास अगर, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये आ गई इसके बाद हमारे पास फाइनल पोजीशन इसकी, ये इनिशियल पोजीशन थी, ये हमारे पास फाइनल पोजीशन इसकी आ गई. ठीक है, सो वो क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉडी है उसने डिस्टेंस कवर किया तो हम उसके जो उसने ट्रेवल किया है उसको वेलोसिटी को इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दें. अभी जितने भी इंटरवल्स होंगे इक्वल हैं, ये तमाम इंटरवल्स जो हैं ये इक्वल हैं. लेट्स से कि मैंने 1 सेकंड का रखा है ईच पार्ट को, सो ये भी 1 सेकंड का पार्ट है, ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है, और ये तमाम जितनी भी लाइंस लगाई हैं इनके दरमियान ये तमाम पार्ट जो हैं वो 1 सेकंड के हैं. ठीक है, सो ये मैंने बना लिया यहाँ पर इंटरवल. तो अब डेफिनेशन देखने की आती है कि अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी. अब वो कह रहा है कि जितना चेंज इस सेकंड के अंदर आया है उतना ही चेंज जो है वो इस सेकंड के अंदर भी आना चाहिए. मतलब कि जितनी भी चेंजेस आ रही है वेलोसिटी के अंदर, हर इंस्टेंट के अंदर सेम चेंज आना चाहिए. जितना चेंज आया वो कॉन्स्टेंट चलता जाए अंटिल इट्स फाइनल पॉइंट. तो इसका मतलब कि जो बॉडी है हमारी उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, आई रिपीट कि अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस, कि चेंज जो है वो
आ रही है, जो भी उसकी वेलोसिटी में जो भी चेंज आ रही है वो इक्वल होनी चाहिए इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, इसका क्या मतलब है कि चाहे इंटरवल आप जितना मर्जी छोटा ले लें, चाहे तो आप 10 सेकंड का जो है वो इंटरवल ले लें, चाहे तो आप 1 सेकंड का इंटरवल ले लें, चाहे तो आप 0.1 सेकंड का इंटरवल ले लें, बट आप जितना भी छोटा इंटरवल ले रहे हैं उसके अंदर वेलोसिटी चेंज यानी कि डेल्टा वी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जब हमारे पास डेल्टा वी जो है वो कांस्टेंट आ जाएगी तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। सो इट मींस दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये तो हो गया जी हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टॉपिक। सो इसी के साथ हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आता है, और वो पॉइंट क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का पॉजिटिव कब होगा? इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, उसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है विद टाइम, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है। सो जब ये मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या है? वी। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो कब पॉजिटिव होगा हमारे पास? अगर इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि ये हमारे पास गाड़ी है, सो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़नी चाहिए। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है वक्त गुजरने के साथ साथ, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी हमारा जो है वो पॉजिटिव होगा। द डायरेक्शन ऑफ इट्स दिस एक्सेलरेशन इज द सेम इन विच द बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। क्या मतलब इस बात का कि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, सो वक्त गुजरने के साथ साथ क्या है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो अगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो इसका क्या मतलब कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसी तरीके से ये तुम्हारा फर्स्ट केस था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ कि अगर वक्त गुजरने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ना बढ़े तो क्या होगा। सो इन दैट केस कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जो है वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ नहीं रही, उल्टा कम होने लग गई है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि हमारे पास कोई गाड़ी है, सो नॉर्मली वो चल रही थी, सो एकदम हमने जो है उसकी ब्रेक्स लगाना शुरू कर दी, सो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होना शुरू हो गई क्योंकि हमने जो है वो ब्रेक लगा दी थी। सो पहले ये इंक्रीज हो रही थी इस तरह थी, और जब एकदम ब्रेक लगाई तो एकदम ये डिक्रीज होना शुरू हो गई। सो जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव, तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। कोई भी बॉडी है उसकी अगर वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ऑलराइट, सो द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन, अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन की? ऑपोजिट। ये बात बहुत अहम है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज मूविंग। अब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है हमारा मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। सो जब हमने पीछे केस पढ़ा कि जब वक्त गुजरने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे। मैं आपको फिर से एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि ये देखें, जब वक्त गुजरने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। बट अगर वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है सो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरी अहम क्या बात कि उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी, जिस भी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। सो ये दो पॉइंट्स जो हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अक्सर अक्सर ये क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ का अच्छे से कॉन्सेप्ट लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आई तो रिपीट करके आप अच्छे से सुन लें क्योंकि ये जो टॉपिक था, ये दो पॉइंट्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। सो इन्हीं नेगेटिव एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमारे पास एक टर्म होती है और वो क्या होती है? डिसेलरेशन एंड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक नाम होता है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। सो जब भी हमारे पास अगर वो डिसेलरेशन कहेगा या रिटार्डेशन कहेगा तो इसका मतलब वो इस नेगेटिव केस की बात कर रहा है। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। सो
सो दिस इज डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपने जो है वो इसे लाइट नहीं लेना. सो जो लास्ट के मैंने थ्री पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला और लास्ट पे डिसेलरेशन और रिटार्डेशन की डेफिनेशन, दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एक्सेलरेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये टॉपिक है, क्योंकि ये ज़्यादातर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है. सो मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि आपको बेस्ट तरीके से समझा सकूँ, एग्जाम्पल्स के साथ समझा सकूँ, और आई होप कि आपको आज के लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि एक और एग्जांपल. अभी जो हमने लास्ट दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स किए उन्हीं से रिलेटेड जो है अब हम एक एग्जांपल देखेंगे. और एग्जांपल क्या है हमारे पास कि एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. सो ये जो हमारा केस है, दिस इज द फर्स्ट केस दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अब देखिए ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि ये हमारे पास एक बॉल है. सो हमने जब इसे ऊपर से थ्रो किया तो ऑटोमेटिकली नीचे गिरेगी. सो ऊपर से जब ये गिरती है स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कम होती है. सो इंक्रीज होते 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 इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली नीचे बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, ये देखें पहले इतनी थोड़ी वेलोसिटी, फिर ज़्यादा हुई, फिर ग्रीन वाला आप मार्क देख रहे हैं, फिर और ज़्यादा हुई और एंड दी एंड इसकी वेलोसिटी जो है वो फुल हो गई. सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, इस साइड पर इंक्रीज कर रही है. जब आप ऊपर से बॉल को फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी एंड पॉइंट तक आने में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज करती है सो एक्सेलरेशन भी जो है वो पॉजिटिव होता है और इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. सो ऑब्जेक्ट हमारे नीचे को मूव कर रहा है, सो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा. सो जब एक्सेलरेशन है, दिस इज बेसिकली ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, सो ये था जी हमारा फर्स्ट केस. इसके अलावा जो हमने सेकेंड केस किया था, हम उसको भी देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. अब डिक्रीजिंग का कौन सा केस है? अगर आप वही बॉल जो आपने पहले नीचे को फेंकी थी, अगर आप उसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करें, ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, तो उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में ज़्यादा थी, क्योंकि आपने फुल प्रेशर से वो बॉल फेंकी, फुल पावर से, फुल एनर्जी से वो बॉल थ्रो की. स्टार्टिंग में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी. सो जैसे जैसे वो ऊपर गया, कुछ फैक्टर्स थे लाइक फ्रिक्शन के फैक्टर्स होते हैं एंड मैनी अदर फैक्टर्स एज वेल. सो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट जो है वो बॉल ऊपर मूव करेगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. ठीक है, जैसे कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशंस में भी कई दफ़ा हमने डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर आपने नहीं किया तो दैट्स ओके, उसे हम नहीं डिस्कस करते. सो जब भी हम या आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आप बॉल को ऊपर थ्रो करें तो एक टाइम आता है कि वो बॉल की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, और उसके बाद जो बॉल है वो मज़ीद ऊपर मूव नहीं करती बल्कि वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है. सो हम ये जो केस कर रहे हैं ये बॉल अपवर्ड थ्रो का है. ठीक है, सो जब हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आपने इसको एक ज़ोर से पुश दिया, बट वक्त गुजरने के साथ साथ फ्रिक्शन बढ़ती गई, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती गई, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होने लग गई. ठीक है, सो जब वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन आपको पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा. सो इस केस में जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा. ठीक है, सो एक्सेलरेशन, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, ये वाली. तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट हो चुकी है. और एक्सेलरेशन बेसिकली होता है ड्यू टू द ग्रेविटी, सो ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, बट वेलोसिटी जो है हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है अपवर्ड. सो इन दिस केस दिस इज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन. ठीक है, सो ये जो दोनों केस अभी हमने किए, जैसे कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये जो दोनों केसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल आप खुद भी करके चेकआउट कर सकते हैं इसे, ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि बेसिकली पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है. मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि आपको बेस्ट तरीके से समझा सकूं. आई होप कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी यू कैन इजीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और हमारी आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है, सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में. तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.